एमबीए के 2 साल एक रोलर कोस्टर राइड है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीए के साल कैसे निकलते हैं, कैसे आपका फर्स्ट ईयर निकलता है, कैसे आपका सेकेंड ईयर निकलता है। सो ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और भाई, एक अमेजिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट है एमबीए करने में, या आप एडमिशन ले चुके हो, ले रहे हो, 2024 में आपका एकेडमिक स्टार्ट होने वाला है, तो आपके लिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अमेजिंग होने वाला है। आपको पता चलेगा कैसे आपके एमबीए का फर्स्ट ईयर निकलता है और क्या क्या चीजें होती है उस पूरे एक साल में। तो स्टार्ट करते हैं आपके एकेडमिक से। सो व्हेन यू एंटर योर एमबीए प्रोग्राम, तो बेसिकली आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो, आप कोई भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने वाले हो, आप इक्वल हैं। इनिशियली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट अकाउंट्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ऑपरेशन, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका एक फुल पैक्ड डे रहेगा। 9:30 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 5, 7, 8, 9 अप टू 10 तक भी जाती है। इवन यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कि IIMs में नाइट क्लासेस भी लगती है। सो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके पास सब्जेक्ट की कोई चॉइस नहीं रहती है, सारे सब्जेक्ट्स मैंडेटरी है। एक फुल पैक शेड्यूल चलता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने आप, हो सकता है मॉर्निंग में आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप स्टेटिस्टिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप शायद इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। सो मे बी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते आपको स्पेशलाइजेशन चॉइस करना पड़ जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स उसमें आपके स्पेशलाइजेशन रिलेटेड आ जाते हैं, प्लस कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स पैरेलल ही चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने HR अपना स्पेशलाइजेशन चॉइस किया है, तो आपकी क्लासेस HR से सब्जेक्ट्स में भी लग रही होगी, और कुछ लिबरल सब्जेक्ट्स भी हो रहे होंगे, या ऐसे सब्जेक्ट्स जो सबके लिए कॉमन है, वो भी आपके सब्जेक्ट्स साथ में चल रहे होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, तो फर्स्ट ईयर आपका बहुत ही ज़्यादा बिजी निकलता है। थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर आपको बहुत मेहनत करनी है और बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एकेडमिक्स के साथ साथ आपके साथ बाकी चीज़ें भी जुड़ी रहती है। देखो, एक अच्छा बी स्कूल ना एक बहुत अच्छा करिकुलम ऑफर करता है, और एक अच्छा बी स्कूल में एंट्री के लिए आपको चाहिए अच्छे कैट परसेंटाइल, और 99% एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पर टफ नहीं है। 99% अचीव करने के लिए आपको एक पार्टनर चाहिए, जैसे कि एमबीए वाला। कैट 2023 में एमबीए वाला के 77+ स्टूडेंट्स ने 99+ परसेंटाइल स्कोर किया है, और 135+ स्टूडेंट्स ने 98+ परसेंटाइल स्कोर किया है। एमबीए वाला इज कमिंग अप विद 2 न्यू बैचेस। द फर्स्ट वन इज एमबीए पायनियर 2024। दिस इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ये बैच आपको प्रोवाइड करता है ऑल द लेटेस्ट रिसोर्सेज, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस, जिसके हेल्प से आप अपना कैट स्कोर या अदर एंट्रेंस टेस्ट स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। सेकेंड बैच है एमबीए पायनियर प्रो 2024। इसमें आपको मिलेंगे 40 मॉक टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने में। मॉक टेस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड चीज है मेंटरशिप सेशंस। एमबीए पायनियर प्रो 2024 ऑफर करता है मेंटरशिप सेशंस, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करने में, पर्सनल गाइडेंस में। दोनों ही बैचेस सेल्फ पेस्ड है, इजीली एक्सेसिबल है, और फ्लेक्सिबल बैचेस है। सो स्टूडेंट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं और कैट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एमबीए पायनियर 2024 इज अवेलेबल ओनली फॉर 7,499 एंड एमबीए पायनियर प्रो 2024 इज अवेलेबल ओनली फॉर 12,499। यू कैन यूज माई कूपन कोड ROC200 टू गेट एक्स्ट्रा 200 rupees डिस्काउंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से जाओ साइन अप करो, अपनी बैच परचेज करो और लग जाओ कैट प्रिपरेशन में। मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, जो आपको फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि कंबाइंड को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है। सबसे पहली है क्लब्स एंड कमिटीज का सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता है कि आपने अप्लाई करो और आपका सिलेक्शन होगा। यूजुअली बी स्कूल्स में आप अप्लाई करते हो, आप एक फॉर्म फिल करते हो आपके उस क्लब एंड कमिटी का, उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, एंड देन लिस्ट फाइनलाइज होती है। हर बी स्कूल्स के अलग अलग रूल्स होते हैं रिगार्डिंग क्लब्स एंड कमिटीज। कहीं पर सिंगल कमिटी अलाउड होती है, किसी में क्लब्स एंड कमिटीज दोनों में सिंगल पार्टिसिपेंट्स अलाउड होते हैं, कभी कभी आपको मल्टीपल कमिटीज में भी अलाउ करते हैं पार्टिसिपेट करना। सो ये हो गया आपका सिलेक्शन। उसके अलावा इसकी सारी कॉम्पिटिशन आपके हाथ में होती है। एज अ फर्स्ट ईयर बैच आपके कंधों पे काफी बोझ रहेगा, क्योंकि जो आपके सेकेंड ईयर वो प्लेसमेंट्स में लग चुके रहते हैं। सो वहाँ के जो सिर्फ प्रेसिडेंट्स या उनके साथ वाले होंगे, एक दो इंडिविजुअल्स आपकी हेल्प करेंगे, बट मेजरली नई जो न्यू जूनियर टीम बनती है कमिटीज और क्लब्स में, उनके कंधों पे बहुत कारबार रहता है कि इन्हें काम करना है, और काफी कुछ लर्निंग्स भी मिलती है। सो थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर आप अपने क्लब्स एंड कमिटीज के लिए काफी ही ज्यादा काम करने वाले हैं, पार्टिसिपेट भी करना रहेगा,
काम भी करना रहेगा और ऑर्गेनाइज भी करना रहेंगे सारे कॉम्पिटिशंस। क्लब्स एंड कमिटीज फॉर्म होने के बाद सेकेंड ईयर की बैच से उन्हीं क्लब्स एंड कमिटीज के इलेक्शन होते हैं जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। ये एक यूजुअल इलेक्शन जैसा ही होता है जहाँ पे वोट किए जाते हैं। जिन जिन लोगों को अपने अपने क्लब्स एंड कमिटीज का प्रेसिडेंट बनना होता है वो अपने फॉर्म्स फिल करते हैं और उसके बाद वोटिंग होती है। हर भी स्कूल में इसकी प्रोसेस अलग है पर यूजुअली 2 से 3 दिन का पूरा टाइम लगता है। एक तरीके से आप छोटा सा इलेक्शन फेस्ट मान लो जहाँ पे लोग वोट मांग रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही है, कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती है और एक बहुत ही ज़्यादा फन एंड एंटरटेनिंग काफ़ी कुछ सिखाने वाला पूरे 2-3 दिन होते हैं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है फेस्ट। देखो ऐसा लगता है कि हाँ फेस्ट एंजॉय करने के लिए बट काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा के जाता है फेस्ट। आपको पीपल मैनेजमेंट सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, कैसे रिसोर्स मैनेज करना है वो सिखाएगा, कम बजट में कैसे आपको सामान लेके आना है, पूरी प्लानिंग करनी, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान सिखाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना आपको फेस्ट सिखाते हैं। सो थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर छोटे मोटे बड़े जितने फेस्ट हों उनमें आप पार्टिसिपेट करें। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके बैक एंड कोर टीम में ही रहें। जो फोर्थ चीज़ है वो है आपका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आपका अगर अगस्त से आपके सेशन स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर ट्राइमेस्टर के तो दिसंबर तक आते हैं आपके समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के प्लेसमेंट स्टार्ट होने लगते हैं। सो फर्स्ट ईयर उसमें भी बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं समर इंटर्नशिप के प्लेसमेंट्स के लिए और एक मॉक प्लेसमेंट जैसा हो जाता है वो कि आपको कंपनीज में अप्लाई करना है, GD एप्टीट्यूड क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू देना है और फिर समर इंटर्नशिप का प्लेसमेंट मिलता है। तो वो दिसंबर से स्टार्ट होता है और मई तक जाता है। सो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है जहाँ पे आपके साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ में अगर आपका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं स्टार्ट हुआ है या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इनिशियली, सो आप जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और प्रोसेस में बैठ रहे हैं। इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर आपके गेस्ट लेक्चर होते रहेंगे, आपके वर्कशॉप्स होते रहेंगे। एक होगा आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें आपको प्लेसमेंट या समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। आपकी ग्रूमिंग, आपका GD कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, साथ में अलग अलग कहीं ना कहीं इंटीग्रेशंस या पार्टनरशिप कर लेते हैं सारे कॉलेजेस तो बाहर की कोचिंग जाके आपको एप्टीट्यूड सिखाएगी, आपको GD कैसे करना है वो सिखाएगी। सो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहता है। सो पहले साल में आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो और आपको ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ये ग्लिम्सेस है MBA फर्स्ट ईयर के। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर कैसा रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आपको फटाफट से पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।